नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। हिसार पुलिस की सतर्कता ने ऑनर किलिंग होने से एक जोड़े को बचा लिया। इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार 12 क्वार्टर हिसार निवासी पंकज और गली नंबर 4 मिल गेट निवासी वैष्णवी ने कोर्ट में शादी के कागजात तैयार करवाकर आर्य समाज के नजदीक एक मंदिर में शादी की। इसके उपरांत शाम करीब 6 बजे बालाजी गिफ्ट गैलरी नजदीक जहाज पुल से लड़की के परिवारजनों ने पंकज को एक गाड़ी और वैष्णवी को एक मोटरसाइकिल पर बैठाकर जान से मारने की नीयत से अगवा कर लिया। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी देरी के उप पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र शर्मा, HPS, उप पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु लोहान, उप पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, HPS थाना प्रभारी निरीक्षक सुखजीत और पुलिस चौकी मुल्तानी चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र के साथ मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और पुलिस टीमों का गठन कर शादीशुदा जोड़ी की तलाश शुरू की। पुलिस उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीमों के सफल प्रयास से लड़की वैष्णवी को सेक्टर 14 हिसार से बरामद किया गया और लड़के को एयरपोर्ट चौक हिसार से बरामद किया। लड़की के पिता सुनील कुमार और परिवारजन शिव नगर हिसार निवासी नवीन शिव कुमार और रवि को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 12 क्वार्टर हिसार निवासी सुनील कुमार की शिकायत पर थाना HTM हिसार में IPC की धारा 364, 323, 147, 148 के तहत अभियोग दर्ज किया है। पुलिस टीम की ओर से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि लड़की वैष्णवी ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे हमें गहरा आघात लगा। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग मोटरसाइकिल बरामद की है। नवविवाहित जोड़े को सही सलामत सेफ हाउस में भेज दिया गया है। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है और आरोपियों की तलाश जारी है। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। ये पंकज नाम का एक लड़का है और अश्विनी लड़की है। ये दोनों शादी करवा के 12 तारीख को कोर्ट से अपने घर की तरफ आ रहे थे। ये पंकज जो जिसपे फोटो फ्रेम का काम करता है बालाजी गिफ्ट गैलरी में झांस पुल के ऊपर, उसके ऊपर गया। उसके ऊपर जाने के बाद में उसने अपने मालिक से पैसे वगैरह मांगे, भाई हमने बाहर जाना, हमने शादी करवा ली है। इतनी देर में पैसों का इंतजाम उसका मालिक करने लगा। इतनी देर में लड़की का फादर और एक अन्य लड़का और आते हैं, लड़की को उठा के ले जाते हैं और उसके बाद में एक फॉर्चूनर आती है जिसमें एक लड़के को जो शादी हुई थी पंकज की उसको भी लेके उठा के ले जाते हैं। उसके बाद में हमारे को सूचना मिलती है, सूचना पे SP के आदेश अनुसार हमने कार्य किया और हमारे को इसकी सफलता मिली। हमने इसमें चार लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जुडिशियल जेल में भेज दिया है आज। और इसमें एक चार सेक्टर उधर एयरपोर्ट चौक से इन चार लड़कों को गिरफ्तार किया था। लड़की को हमने कैंप चौक के आसपास से बरामद कर लिया है, जो सेफ हाउस में दोनों को सेफ हाउस में भेज दिया है। इनकी प्लानिंग तो इसको उठा के मारपीट करना, कुछ भी कर सकते थे ये लोग। धारा 147, 148, 323 और 364 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है। हमारे को सूचना मिली, हमने मेरे साथियों के साथ चौकी के साथ SHO के साथ मिलकर फटाफट अपने एरिया में निकले, उसको हैंडओवर किया। फिर हमारे SP साहब ने जो निर्देश दिए थे उस अनुसार काम किया, हमारे को सफलता ऐसी मिली।